الحمد لله الحمد لله يا رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی قابل عزت قابل احترام ذی قدر بزرگو بھائیو عزیزو نوجوان ساتھیو السلام علیکم دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے اللہ کا بے انتہا بار شکر ہے کہ جس مالک لم یزل ولا یزال نے ہمیں دولت ایمان سے نوازا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اتنا میٹھا لفظ ہے لفظ ایمان کہ ایک گناہوں کے اندر لت پت شخص کو بھی اگر کوئی شخص بے ایمان کہہ دے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ ایمان کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی حلاوت مٹھاس اور لذت کیا ہے اور اس پر ملنے والا انعام کیا ہے۔ میں کافی لیٹ ہو چکا ہوں آج، تو کوشش کرتا ہوں اپنی بات کو خلاصے کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، ایمان اور اسلام۔ آیا ان میں فرق ہے یا یہ الگ الگ چیزیں ہیں؟ تو قرآن کریم میں کبھی اللہ نے دو کو علیحدہ علیحدہ ذکر کیا، اور کبھی ایمان پر اسلام کا اطلاق کیا اور کبھی اسلام پر ایمان کا اطلاق کیا۔
और कभी इनको अलाहिदा जिक्र किया। मसलन कुरान मुकद्दस कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए ईमान वालो, पहला लफ्ज क्या इस्तेमाल किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमानदारो ए मोमिनो, इत्तकुल्लाह हक तुकातिही, अल्लाह से डरो जिस तरह उससे डरने का हक है, वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम्हें मौत ना आए ना मरो तुम मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो मुस्लिम हो। तो यहां एक ही आयत में ईमान को अलग और इस्लाम को अलग जिक्र किया। मुहद्दिसीन एक फर्क ये भी जिक्र करते हैं कि ईमान दिल की तस्दीक का नाम है और इस्लाम उसके जाहिरी हुलिये और ढांचे का नाम है। यही वजह है कि जब मुनाफिकीन ने आके कहा कालतिल आराब आमन्ना, देहातियों ने कहा हम ईमान ले आए, तो अल्लाह ने फरमाया इनसे कह दीजिए मेरे पैगंबर तुम ईमान नहीं लाए, वलाकिन कूलू अस्लमना, आमन्ना ना कहो बल्कि क्या कहो, अस्लमना, हम इस्लाम लाए हैं, क्योंकि ईमान अभी तक तुम्हारे दिल में दाखिल नहीं हुआ। हाँ, ऊपर से तो तुम इजहार कर रहे हो लेकिन वो असल जो दिल की तस्दीक है वो नहीं हासिल तुम्हें। तो ईमान का लुगवी माना होता है तस्दीक, यकीन, एतमाद। और इस्तिलाही शरीयत में ईमान किस चीज का नाम है, तस्दीक मा जा बिहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेके आए हैं, जो कुछ नबी लेके आए हैं उस सारे की तस्दीक करना, दिलो जान से उसे मान लेना क्या है, ईमान है। दिल की तस्दीक, और अजीब बात, अगर दिल की तस्दीक ना हो तो महज जबान के इकरार को मुनाफिक कहते हैं, इकरार करने वाले को क्या कहते हैं, मुनाफिक कहते हैं। और अगर दिल की तस्दीक हो लेकिन अभी तक मुंह से इजहार नहीं किया तो उसको मोमिन नहीं समझा जाता। अबू जहल का बेटा सैयदुना इकरमा रजी अल्लाह तआला नो जब मक्का फतह हुआ बाग के जद्दा पहुंचा, जहाज में बैठ के भागने लगा, पता था कि मुझे छोड़ा नहीं जाएगा, तो जब भागने लगा दरिया में बहरी जहाज के अंदर सवार हुआ, जहाज चलने लगा, दोस्त ने बड़ी आवाजें दी लेकिन ये चल पड़े। अब जब समंदर के मोजों के अंदर कश्ती आके बवर में फंसती है, हर तरफ से मोजे हैं, तो कोई लात कोई मनात कोई उज़्ज़ा कोई हुबल को पुकार रहा है, मुख्तलिफ आवाजें शुरू हो गई, लेकिन मल्लाह जो है कश्ती चलाने वाला
वो कहता है नाना सारे खामोश हो जाओ, इस वक्त अकेले अल्लाह को पुकारो। मुशरिक वो भी था, काफिर वो भी था, लेकिन जब मुसीबत में फंसा तो क्या कह रहा है? कहता है जब फंस जाओ मुसीबतों में तो अकेले अल्लाह को पुकारो। इकरमा कहने लगा मेरा पैगंबर से झगड़ा इसी बात में तो था कि हम लात व मनात को पुकार रहे, और पैगंबर ने आके कहा फदउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, कि अल्लाह को पुकारो खालिस और अकेले अल्लाह को, मुसीबतों में वही बचाता है, दरिया की मौजों में वही बचाने वाला, खुशकी और जंगलों में वही बचाने वाला। तो जिस बात की वजह से मैं भाग के आ रहा था वही बात तो हमारे अकीदे का कश्ती चलाने वाला भी कर रहा है कि आज पुकारो तो उसी को पुकारो। इकरमा कहते हैं अल्लाह की कसम है उसी वक्त मेरे दिल के अंदर पैगंबर के दीन की सदाकत बैठ चुकी, मैंने दिल में मान लिया था और मैंने कहा अल्लाह अब अगर किश्ती किनारे लग गई ना तो सबसे पहला काम वही होगा कि जाके अपना हाथ नबी के हाथ में रख दूंगा। अल्लाह की शान, किश्ती झोंकों से मौजों से खेलते खेलते फिर दोबारा उसी किनारे आ लगी। जैसे ही किनारे लगी इकरमा उतरते हैं और तेज कदमों से चलते हुए आकर पैगंबर की मजलिस में आते हैं। नबी अलैहिस्सलाम देखते हैं जी इकरमा कैसे आना हुआ, या रसूल अल्लाह जो मसला खुशकी में समझ नहीं आया वही मसला समंदर की मौजों ने समझा दिया है। समझ में आ गया, लेकिन हरिपुर वालों इकरमा को हम मुसलमान कब से शुमार करते, जब वो नबी की मजलिस में आया और जबान से इकरार किया, कश्ती में उनको मोमिन नहीं शुमार किया जाता। तो मैं कह रहा था कि अगर दिल की तस्दीक हो लेकिन अगर जबान से उसका इकरार ना हो तो तब भी ईमान का पता नहीं चलता, मोमिनों वाले अहकाम उस पर जारी नहीं होते। मोमिनों के अहकाम तभी जारी होंगे जब कोई शख्स दिल की तस्दीक के बाद जबान से उसका क्या करेगा, तस्दीक बिल कल्बी और इकरार बिल लिसान, जबान से इकरार करेगा। ये ईमान है कि अल्लाह के पाक पैगंबर जो कुछ लाए सबको माना जाए। अब देखिए हरिपुर वालों वो क्या क्या है जिसको माना जाए, एक हदीस में अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दिए। इख्तिसार क्या, जिब्रील ने पूछा या रसूल अल्लाह ईमान क्या है, यानी किस किस चीज पर ईमान लाना है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह पर ईमान लाना है, ईमान बिल्ला, अल ईमान बिल मलाइका, फरिश्तों पर ईमान लाना है, और अल्लाह की किताबों पर ईमान लाना है, अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाना है, आखिरत के दिन पर ईमान लाना है, वल कदर खैरी ही व शर्री ही, और अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान लाना है। कितनी चीजें, छह चीजें जिक्र की हैं, इन छह चीजों पर ईमान लाना है। सबसे पहले अल्लाह पर ईमान लाना है, उसके बाद फरिश्तों पर, किताबों पर, नबियों पर, आखिरत के दिन पर, और अच्छी बुरी तकदीर पर। इन चीजों पर ईमान लाए तो ये मोमिन है, ये ईमान है, दिल से तस्दीक की, जबान से इसका इकरार किया है। यकीन कीजिए
قرآن مقدس کیا کہتا ہے؟ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، یقیناً مومن وہ لوگ ہیں اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جائے، جب اللہ کا تذکرہ کیا جائے، وجلت قلوبهم ان کے دل سہم جاتے ہیں، وجلت قلوبهم ان کے دل لرز جاتے ہیں، وجلت قلوبهم ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ اور جب ان پہ اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تو زادتهم ایمانا ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے اور قوی ہو جاتا ہے، یعنی عمل اتنا ہی زیادہ کرنے لگتے ہیں، قوت آ جاتی ہے ان کے ایمان کے اندر، زادتهم ایمانا. اور قرآن قربان جاؤں قرآن کے سمجھانے پہ، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ایمان کو کئی مقامات کے اوپر اعمال صالحہ کے ساتھ جوڑا ہے. کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ اعمال صالحہ کے ساتھ جوڑا ہے. ذرا میں پڑھتا ہوں قرآن مقدس کی آیات، آپ سنیے ذرا، کہ اللہ ایمان، لوگ کہتے ہیں نا تصدیق قلبی کا نام ہے، اقرار باللسان کا نام ہے، لیکن اس کے ساتھ اعمال کا ہونا ضروری ہے. یہ ایک محدثین کے درمیان بحث چھڑتی ہے کہ اعمال یہ ایمان کے اجزاء ہیں کہ نہیں ہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان تو تصدیق قلبی اور اقرار لسانی کا نام ہے، ہاں اعمال اس کے لیے شرائط ہیں، اجزاء نہیں ہیں. اعمال ضروری ہیں، ایمان کا تقاضا ہے کہ نماز پڑھی جائے، روزہ رکھا جائے، حج کیا جائے، زکوٰۃ دی جائے، اخلاق ایسے ہوں، لیکن یہ ایمان کے اجزاء. امام صاحب فرماتے ہیں ایمان میں ترکیب نہیں، ایمان بس یہی ہے جو میں نے بتا دیا. یہ اعمال اس کے لیے شرائط ہیں. اور محدثین کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے، علماء کا، کہ اعمال ایمان کے اجزاء ہیں. تو جب وہ کہتے ہیں اعمال ایمان کے اجزاء ہیں، تو جیسے اعمال بڑھتے ہیں تو ایمان بھی بڑھتا ہے. امام ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں جو نفس ایمان ہے وہ تو اگر کم ہو جائے تو بندہ مومن ہی نہیں رہتا. مثلا ایک شخص کی تصدیق قلبی میں فرق آ جائے تو وہ تھوڑا مومن یا زیادہ مومن ہوگا؟ نہیں، سرے سے ہی مومن نہیں رہے گا. ہاں اعمال اس کے لیے ضروری ہیں، اعمال کرتے جائیں. بہرحال یہ ایک تفصیل طلب بحث ہے، میں اس میں نہیں آپ کو الجھاتا، صرف اتنی بات ضرور ہے کہ قرآن نے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کو ذکر کیا، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں. دیکھو کہ ایمان الگ چیز ہے اور اعمال، قرآن کا یہ انداز بھی بتلاتا ہے کہ قرآن ایمان کو الگ ذکر کرتا ہے اور اعمال کو الگ ذکر کرتا ہے. مثلا اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان کو الگ ذکر کی، وہاجروا پھر اعمال میں ہجرت کی، جہاد کی، اپنی مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، اللہ کے راستے میں
آوہ و نصر اولائک بعضہم اولیاء بعضین۔ اور کبھی قرآن یوں کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے صالح، کیا وعدہ کیا ہے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ اور کبھی قرآن کہتا ہے فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، فیوفیہم اجورہم، اللہ ان کو ان کے اجر کا پورا پورا ان کے اعمال کا بدلہ دے گا، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے اللہ اور بھی زیادہ دے گا۔ کبھی قرآن کہتا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ، وہ لوگ جو ایمان لائے عمل کیا نیک، انہیں چلائے گا ان کا رب، پہنچائے گا ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے، کہاں تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، ایسے باغات میں جہاں نہریں جاری ہیں، ہمیشہ کے باغات، نعمتوں کے باغات میں۔ اور قرآن کبھی یوں کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار کان کھول کر سن لیجئے، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے ولی اللہ کے دوست کیسے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ لیکن ولی کون ہے، فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، الذین آمنوا جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور حرام سے، شرک سے، ناجائز کاموں سے بچتے رہے، یتقون اللہ سے ڈرتے رہے۔ یہ نہیں کہ سادی کہتے ہیں کار شیطان میں کند نامش ولی، کار شیطان میں کند نامش ولی، گر ولی اینس لانت بر ولی، کام شیطانوں والے کرتا ہے اور نام کہتے ہیں جی ولی ہے۔ سادی فرماتے ہیں اگر یہ ولی ہے تو اس پہ لعنت ہو۔ وہ کہتے ہیں ولی کون ہے، کار رحمان میں کند نامش ولی، گر ولی اینست رحمت بر ولی، رحمان والے کام کرے، جس کا حکم رحمان نے دیا ہے، اگر یہ ولی ہے تو رحمت بر ولی، اس ولی پہ رحمتیں ہوں۔ تو قرآن ایمان کے ساتھ کیا ذکر کرتا ہے، عمل صالح ذکر کرتا ہے، اور نتیجہ کیا ذکر کرتا ہے، عمل میں کیا ملے گا، کبھی فرمایا جنت، کبھی فرمایا توبہ ملے گا، جیسے قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے نیک، ان کے لیے کیا ہے، توبہ۔ اللہ، مفسرین کہتے ہیں توبہ کا ایک معنی بشارت ہے، کیا ہے، خوشخبری ہے، توبہ کا ایک معنی ہے جنت ہے، ایک معنی توبہ جنت کے اندر ایک خاص درجہ ہے۔
उनको वो मिलेगा बेहतरीन ठिकाना। तो मैं अर्ज कर रहा था कि कुरान ने जहां ईमान जिक्र किया तो साथ ये भी बतलाया ये करना है। ईमान का तकाजा है कि आपने ये साथ करना है जो मैंने जिक्र किए। और कभी कुरान ईमान जिक्र करता है तो साथ कहता है ईमान को इन चीजों से बचाना है। वो कैसे बचाना है, जरा कुरान मुकद्दस का अंदाज देखिए। अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना यकफुरून बिल्लाहि व रुसुलिहि व युरीदूना अन युफर्रिकू बैनल्लाहि व रुसुलिहि व यकूलूना नुमिनु बिबाज़िन व नकफुरु बिबाज़िन व युरीदूना अन यत्तखिज़ू बैनल्लाहिका सबीला। बेशक वो लोग जो इनकार करते हैं अल्लाह का उसके रसूलों का व युरीदून अन युफर्रिकू बैनल्लाहि व रुसुलिहि और वो चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूलों के बीच में फूट डाल दें, तफरका डाल दें। और कहते हैं नुमिनु बिबाज़िन व नकफुरु बिबाज़िन, अपनी मर्जी के मालिक बने हुए ना, कहते हैं नुमिनु बिबाज़िन जी, हम सारी चीजों का इनकार नहीं करते, ये कुछ हम मानते हैं। कहते हैं नुमिनु बिबाज़िन, बाद पर ईमान रखते हैं हम, व नकफुरु बिबाज़िन और ये बाज़ जो हमारे मिजाज के खिलाफ है हम इनको नहीं मानते, इनकार करते हैं। आज भी आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे जी, जो कुछ चीजों को तो मानते हैं और कुछ का इनकार करते हैं। तो कुरान क्या कहता है, हम इसको आधा मोमिन कहेंगे जी, कुछ को मानता है कुछ का इनकार करता है, हम इसको आधा मोमिन कहेंगे। सुनिए कुरान का फैसला, कुरान क्या कहता है, सुन लीजिए। उलाइका हुमुल काफिरून हक्का, ये पक्के काफिर हैं। ये नहीं कि बंदा कुछ को माने कुछ का इनकार कर जाए और अपने आप को क्या कहे, मोमिन कहे। ये जो मैंने कुरान मुकद्दस की आयत पढ़ी है ये है सूरह निसा आयत नंबर 150 और 151। घरों में जाके देख लेना, रब का कुरान कहता है जो कहते हैं नुमिनु बिबाज़िन व नकफुरु बिबाज़िन, बाज को मानते हैं ईमान लाते हैं, बाज का इनकार करते हैं। व युरीदून अन यत्तखिज़ू बैन ज़ालिका सबीला, बीच में कोई तीसरा रास्ता निकालते हैं बीच बीच का। तो कुछ लोग मुतरद्दद होंगे, कुछ कहेंगे जी हैं तो गुनाहगार लेकिन अद्दे मोमिन थे, हैं आधे तो हैं। रब ने फरमाया उलाइका हुमुल काफिरून हक्का, यही लोग पक्के काफिर हैं। व आतदना लिल काफिरीन अज़ाबं मुहीना, और हमने काफिरों के लिए रुस्वा करने वाला अजाब तैयार कर रखा है। तो पहली चीज ईमान का तकाजा कि जिन जिन चीजों को मानना है उन सब को मानना है, क्या सब को मानना है। एक दूसरा, ईमान को किस चीज से बचाना है, कुरान कहता है अल्लज़ीना आमनू, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अमनु वहुम मुहतदून। आज बाबा जी नहीं है, हाँ तो इसीलिए आप लोगों पर सख्ता सता रही है, कुछ सो रहे हैं जी, मेरे ख्याल से तवज्जो नहीं है।
तवज्जो है, खुदारा तवज्जो रखिए। फरमाया अल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, वलम यलबिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन, और अपने ईमान को जुल्म के साथ गड़मड़ खल्त मल्त नहीं किया। ईमान लाए और ईमान को जुल्म से बचाए रखा, जुल्म की मिलावट नहीं की। तो कुरान क्या कहता है, उलाइका हुमुल लहुमुल अम्न, यही लोग हैं, लहुमुल अम्न, इनके लिए अमन है, वहुम मुहतदून, यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। तो कितनी बातें हो गई, ईमान लाए और ईमान को जुल्म के साथ गड़मड़ नहीं किया। सही बुखारी की हदीस है, सहाबा पे ये आयत बड़ी गरां गुजरी, बहुत गरां गुजरी, और आपस में गुफ्तगू करते करते नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुंचाए। फरमाया या रसूल अल्लाह, ये आयत तो हम पे बड़ी गरां गुजरी है। जी कैसे गरां गुजरी है? फरमाया कि ईमान हिदायत उन्हीं के लिए है, अमन उन्हीं के लिए है जिन्होंने ईमान को जुल्म के साथ गड़मड़ नहीं किया। तो हम में से कौन ऐसा है जिससे गुनाह नहीं हुए, गुनाह करके अपने ऊपर जुल्म न किया हो? अगर किसी पर जुल्म नहीं किया तो अपने ऊपर तो सब ने जुल्म किया है। गलती हुई, गुनाह हुए, लग्जशें हुए, लग्जशें गुनाह करके हमने अपने ऊपर जुल्म किया, तो ये तो हमारा ईमान जुल्म से बच ना सके, ये तो हम सारे रगड़े में आ गए। तो लगता है समझने की बात कि अरबी दान होने के बावजूद भी, खूब अरबी समझने के बावजूद भी कुरान की आयत समझ में नहीं आई। तो आजकल कुछ लोग जो हैं अरबी के दो जुमले सीख लेने के बाद वो समझते हैं हम कुरान के क्या बन गए, मुफस्सिर बन गए। महज अरबी आने से कुरान समझ में, जब तक के कुरान के साथ मोहम्मद अरबी का फरमान ना लगे। तो सहाबे किराम पे आज गरां गुजरी, नबी ये करीम ने फरमाया ओ मेरे सहाबा, जो आप समझे ये मुराद नहीं है। क्या मुराद है? फरमाया क्या आपने लुकमाने हकीम की बात नहीं सुनी कुरान में, कि कुरान कहता है इज़ काला लुकमान लिबनी ही, जब लुकमान अपने बेटे से कहने लगे इला तुशरिक बिल्ला, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न कर, इन शिर्क लज़ुल्म अज़ीम, शिर्क ज़ुल्म अज़ीम है। यहां जुल्म से मुराद क्या है? शिर्क है। तो अब आयत का माना होगा वो लोग जो ईमान लाए और ईमान लाने के बाद अपने ईमान को शिर्क से बचाया, तो हिदायत याफ्ता भी यही है और अमन याफ्ता भी यही है। अल्लाह अकबर। तो ईमान को जुल्म यानी शिर्क से बचाना है, और कुरान ने शिकवा किया है, वो भी पढ़ के सुना दूं। सूरत का नाम सूरत यूसुफ है। अल्लाह का कुरान कहता है वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाही इल्ला वहुम मुशरिकून। सूरत यूसुफ आयत नंबर 106 कुरान कहता है कि अक्सर लोग अल्लाह पर ईमान तो लाते हैं लेकिन इसके बावजूद भी मुशरिक होते हैं। तो अगर ईमान ले आए और फिर भी शिर्क करे तो ये ईमान रब को मतलूब नहीं है। रब को जो ईमान मतलूब है वो है लम यलबिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन,
वो ईमान जिसको जुल्म यानी शिर्क की पलीती से बचा के रखा हो। तो कई लोग कहते हैं जी बादशाह बंदा मोमिन हो तो मुशरिक कैसे हो सकता है, मुसलमान मुशरिक कैसे हो सकता है। हम कहते हैं मुसलमान हो कि चोरी करे तो चोर होता है कि नहीं होता, मुसलमान हो के डाके डाले तो डाकू बन जाता है, मुसलमान हो के जना करे जानी बन जाता है, तो अगर मुसलमान हो के शिर्क करे तो क्या बनेगा, मुशरिक भी बन जाएगा। मेरे दोस्तों ईमान इन चीजों से बचा के रखना है, कुफर से शिर्क से, तब ईमान ईमान बनेगा। अगर नहीं शिर्क भी बंदा करता जाए, कहे मैं मोमिन हूं, फिर अबू जहल भी मोमिन था, काबा भी तामीर किया था, हज भी करता था, हाजियों को सत्तू भी ये इतनी नेकियां करता था, लेकिन मोमिन था इसलिए कि उसका ईमान खल्त मल था। और जब हज करते ना तो तलबिया कैसे पढ़ते थे, कहते लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह हम हाजिर हैं। फिर आगे कहते ला शरीक लका, तेरा कोई शरीक नहीं, इल्ला शरीकन तमलिकुहु वमा मलक, अल्लाह फुला फुला छोड़कर तेरा कोई शरीक नहीं, इल्ला फुला मगर फुला है, फुला है, फुला है। जब ये मिलावट की तो उनका तलबिया भी उनके मुंह पे मार दिया गया, उनके सदके और खैरात भी उनके मुंह पे मार दिए, और रब ने ऐलान कर दिया, फरमाया अजअल तुम सिकायत अलहज व इमारत अलमस्जिद अलहराम का मन आमन, तुमने बैतुल्ला तामीर किया, काबा तामीर किया, हाजियों को पानी पिलाते हो, इस पे नाज करते हो, साथ मुशरिक भी हो, सुन लो ये उस शख्स के बराबर नहीं हो सकते का मन आमना जो खालिस ईमान लेके आया। ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की चाबी है, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जन्नत में जाएगा, लेकिन लोग आधी बात करते हैं, पूरी बात नहीं करते। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन काल ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसम मिन कल्बी, ला इलाहा इल्लल्लाह कहा लेकिन खालिसम मिन कल्बी, दिल के खुलूस के साथ, दिल के इखलास के साथ, मिलावट के साथ नहीं, इस ला इलाहा इल्लल्लाह पे जन्नत मिलेगी। तो ईमान को इन चीजों से बचाना है। और एक अजीब बात आपको बतलाऊं, ईमान वो नेमत है कि जिस बंदे को नसीब हो जाए अल्लाह इसके अनवारात में से एक तोहफा ये देते हैं कि इसकी लज्जत बंदे को नसीब होने लगती है। कई लोग इस लज्जत से महरूम हैं, पढ़ते हैं कहते हैं लेकिन उनको इस लज्जत का पता नहीं। यह लज्जत किन को मिलती है, दो हदीसें पढ़ता हूं जरा सुनिए। पहली हदीस फरमाया ज़ाका तामुल ईमान, ज़ाका तामुल ईमान मन रज़िया बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन रसूला, ज़ाका तामुल ईमान उस शख्स ने ईमान का जायका चख लिया, मन रज़िया बिल्लाहि रब्बा जो अल्लाह के रब होने पे राजी हो गया। कौन है जो अल्लाह के रब होने पे राजी है, लफ्ज रब इस्तेमाल किया,
और अल्लाह का इस्मुल जलाला जिक्र किया अल्लाह, और दूसरी सिफत क्या जिक्र की? रब। तो अब इसको समझने की जरूरत है। रब तरबियत से है, और तरबियत कहते हैं इंशा उशी हालन फहालन इला हद्दिल कमाल। एक चीज को सीढ़ी ब सीढ़ी, दर्जा ब दर्जा, स्टेप बाई स्टेप लेके जाना हद कमाल तक, हर मरहले में उसकी सारी जरूरतें पूरी करते हुए। और हरिपुर वालों, सबकी सब जरूरतें पूरी करने वाला कौन है? ये मानना पड़ेगा। ईमान का जायका तब आएगा, मन रजिया बिल्लाह रब्बा, जो इस बात पर राजी हो गया कि मेरी सारी जरूरतें पूरी करने वाला अल्लाह है, मेरी जरूरियात का मालिक अल्लाह है। जब वो हवाओं में परिंदों को रोजी देता है, वाला ताइर यतीर बिजनाही इल्ला उममुन अम्सालुकुम वमा मिन दाबतिन फिल्ला फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। कोई परिंदा ऐसा नहीं, कोई जमीन पे रेंगने वाला जानदार ऐसा नहीं, इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, मगर उसकी रोजी का जिम्मेदार कौन है? अल्लाह है। जब इस तरह रब को मानेगा तो फिर ईमान की लज्जत। हाँ, रब तो मानता है, कहता है अल्लाह को मानता है, लेकिन रोजी की बरकतें कहीं और से मांग रहा है। जी कारोबार में बरकत नहीं, कब्र की मिट्टी ला के रख दो। कभी कहता है दुकान अच्छी चलती नहीं, घोड़े की नाल लगा के रख दो। जी देखें, मैं बाल कटवाने गया एक दुकान पे, हम्माम पे, तो जैसे इधर सोफे पे बैठा तो ऐसे ऊपर नजर डाली तो दरवाजे के ऊपर घोड़े की नाल ऐसे उल्टी लगी हुई है। भाई ये किस लिए? जी बरकत के लिए। कितना बेवकूफ हो चुका है, कितना ना समझ हो चुका है मोमिन कलमा गो। ये मानता है कि जरूरतें रब पूरी करता है, फिर जाके हथेलियां नजूमियों के सामने रखता है। जी मेरी हथेली चेक करो, किस्मतियां लकीरा मालूम करो। ये आपके हरिपुर राय अम्मा पे जाके देख लो, अयूब पार्क के पास। एक बड़ी जमाने की बात है, गुजर रहा था तो एक सादा बोला वाला सूफी आके बैठ गया उधर, तो उसने एक तोता भी बिठाया हुआ है, पिंजरा भी है, ये उसको हाथ दिखा रहा है। वो कहता है माशाल्लाह बख्तां ले ओ, मुबारक हो। ये किस बात की? ये जड़ी लकीर आंदी है ना, ये तो खुशियां दी लकीर है, ये तो खुशियों की है, ये फराहत है, जिंदगी की है। चेहरा उसका खिल गया, भाई बड़ी लम्बी मोटी लकीर है, पर इसको क्या मिलेगा अब नजूमी को? कहता है ओहो मुसीबतें उत्तों ही दुई लकीर मुसीबतां दी आ गई है, ये परेशानियों की आ गई है। अब उसका रंग फिर उड़ गया, ने कहा जी हूं के उसी हूं के उसी? उसने आख्या बस 500 का तवीज उसी। क्या होगा? अब बस एक 500 रुपए का तावीज होगा। ने कहा फिर? कहा फिर ऐसे होगा, आपकी लकीरें क्या हो जाएंगी? सीधी हो जाएंगी। अब बताओ ये शख्स ईमान का जायका चख सकता है? अल्लाह की कसम है, ईमान का जायका इसको क्या पता है? ईमान के जायके के लिए मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया मन रजिया बिल्लाहि रब्बा, जो अल्लाह के रब होने पे राजी होना पड़ेगा। अगर समझदार होता तो कहता हो सादिया सारे बाजार की गर तेरी नासों में,
सारी बाजार की गुबार तेरे नथनों में जा रही है, गर्द गुबार उड़ती है, तू सारा दिन इसी रोड पे फुटपाथ पे जलील हो रहा है, औरों की लकीरें मुकद्दर की सीधी करता है, तेरी लकीरें कब सीधी होंगी ओ बदबख्ता। तोता बिठाया है लेकिन क्या करें ना समझ लोग हैं, गालिब ने तो कहा था कि हाथ की लकीरों पे न जाए गालिब, तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, और जिनके हाथ नहीं होते तो उनकी कोई किस्मत नहीं होती। कब समझेंगे ये लोग, मन रज़िय बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना, इस्लाम के दीन होने पर राजी है। क्या मतलब, यानी इस्लाम को ऐसा मान लिया, इस्लाम ने हुक्म दिया शराब हराम है, फिर उठ के ये तकरीर नहीं की जी खैर है जी गैर मुस्लिमों के नाम के ऊपर परमट जारी हो और पीते हम रहेंगे जी, अकलियत के नाम पे इजाजतनामा लिया जाए और बेचने वाला बनाने वाला कौन हो, मुसलमान हो। एक दोस्त ने अमेरिका से मुझे फोन किया, अभी मुझसे राबते में है, रोया चिल्लाया, इतना रोया मुझे, कहने लगा मैंने अपनी दौलत लगा के इधर एक मस्जिद बनाई है खालिस जगह पे, कोशिश करता हूं कि यहां लोग आए नमाज पढ़ने के लिए। तो मैंने कहा क्या मस्जिद नहीं है, कहता है मस्जिद जहां एक छप्पर सा बना है, मैंने कहा छप्पर कैसे, कहते नीचे दुकानें हैं शराब बनाने की, उसकी ऊपर नमाज पढ़ते हैं। तो मैंने कहा वो नमाजी कौन है और मस्जिद किन की है, कहने लगे वो नमाजी भी वही हैं जो शराब बनाते भी हैं और बेचते भी हैं। कहते हैं मैंने अलग बनाई है, वो वहां नमाज पढ़ने के लिए भी नहीं आते। इस्लाम के दीन होने पे राजी होने का मतलब क्या है, जो कुछ इस्लाम ने कह दिया मेरी ख्वाहिशें टूट जाएं, मेरी अनाएं टूट जाएं, मेरी चाहतें खाक में मिल जाएं, लेकिन जो इस्लाम ने कहा उसे मानकर बताना है, उस पर अमल करके दिखाना है, इस्लाम के दीन होने पे राजी। कितनी बातें हैं, अल्लाह की कसम ये बहुत तफसील तलब बात है। अल्लाह के पाक पैगंबर ने दरिया समंदर कूजे में बंद किए हैं। तीसरी बात, ज़ाका तअमल ईमान, ईमान का जायका वो बंदा चख गया, उसने चख लिया जो वबे मुहम्मद रसूला, जो मुहम्मद रसूल्ला के रसूल होने पर राजी हो गया, इसने ईमान का जायका चख लिया। कितनी बातें, तीन इधर। दूसरी हदीस सुना दूं, वक्त कम है लेकिन मैं बात पूरी कर दूं, क्या ख्याल है? फरमाया साला सुन मन कुन फीहि वजद बिहिन हलावतल ईमान। ओ कायनात के लोगों, तीन चीजें जिसमें पाई जाएं, जिसमें आ जाएं, उसके जरिए बंदा ईमान का जायका मिठास चख लेता है। पहली चीज क्या है, अय्यकून अल्लाहु व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, के अल्लाह और उसका रसूल बंदे को अल्लाह और उसके रसूल के अलावा सारी कायनात से ज्यादा महबूब बन जाए। अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल के अलावा जितनी भी कायनात है सबसे बढ़कर हो, यह सिफत पैदा होगी, सारी मोहब्बतें इन दो मोहब्बतों के नीचे नीचे चल रही हों, इन दो मोहब्बतों की गुलामी में चल रही हों,
یہ صفت ہوگی تو بندہ ایمان کا ذائقہ چکھ لے گا۔ دوسری بات، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ بندہ کسی بھی بندے سے محبت کرے، کسی بھی بندے سے کیا کرے؟ محبت کرے، پیار کرے، تو اِلَّا لِلَّهِ صرف کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے۔ ایک صحابی چل پڑے گھر سے، اپنے دوست بھائی سے ملنے کے لیے دوسری بستی میں تھے، جا رہے ہیں، راستے میں فرشتہ انسانی شکل میں ملتا ہے، کدھر جا رہے ہو؟ جی فلاں علاقے میں، بستی میں میرا ایک بھائی دوست رہتا ہے، اس سے محبت رکھتا ہوں، ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا، اس نے تجھ پہ کوئی احسان کیا ہے کہ اس کے بدلے کے لیے جا رہا ہے؟ آپ پہ اس کے کوئی احسانات ہیں اس لیے؟ کہنے لگا، کوئی احسان نہیں، صرف رب کی محبت کی وجہ سے اللہ کے لیے اسے پیار کرتا ہوں۔ جب یہ جواب دیا، فرشتے نے کہا، پھر سن لے، رب نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں آپ کو بتا دوں، تو اس مومن سے محبت میرے لیے کرتا ہے تو میں رب تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اگر کسی سے محبت ہو تو کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو۔ یہ عالم ہے، یہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے، یہ نمازی ہے، یہ سچا ہے، یہ عدل والا ہے، اخلاق والا ہے، مجھے اس لیے پسند ہے، یہ اوصاف میرے رب کو پسند ہے، مجھے یہ بندہ اس لیے پسند ہے، سخی ہے، سخاوت اللہ کو پسند ہے، مجھے یہ بندہ پسند ہے۔ تو یہ محبت جس کے دل میں ہوگی کہ وہ محبتیں بھی اللہ کے لیے کرتا ہوگا، تو یہ ایمان کا ذائقہ۔ اب ذرا سن لیجئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، وجبت محبتی للمتحابین فیا والمتزاورین فیا والمتبازلین فیا۔ ہری پور والو، تحفہ سن لیجئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی زبان مقدس کا، اللہ فرماتے ہیں، وجبت محبتی، میری محبت، میرا پیار واجب ہو گیا، ربا کس کے لیے؟ فرمایا، للمتحابین فیا، ان لوگوں کے لیے جو میری وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ پہلی بات، والمتزاورین فیا، جو آپس میں ایک دوسرے کی زیارت کے لیے، دیدار کے لیے بھی صرف اسی لیے جاتے ہیں کہ میری وجہ سے محبت ہے، والمتبازلین فیا، اور میری اس محبت کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پہ مال خرچ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یہ فضول اڑانا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کو اچھا دوست پرہیزگار، اگر آپ اس پہ خرچہ کرتے ہیں تو یہ ضائع نہیں ہو رہا، بلکہ یہ رب کی محبت کو آپ کے لیے واجب کرنے کا سبب ہے۔ لیکن کیا کریں، جس شخص کا دسترخوان ہی ایسا ہو کہ اس پہ کبھی کوئی شریف آدمی بیٹھا ہی نہ ہو، اس کے ڈیرے پہ لفنگوں کے سوا آتا ہی کوئی نہ ہو، اس کا کچن کبھی اس میں جو ہے رزق حلال کبھی کسی پرہیزگار کے لیے پکا ہی نہ ہو، وبال تو اس کا خرچہ ہے، جس کا مال ایسے لوگوں پہ لگتا ہے یہ رب کی محبت کو واجب کرتا ہے۔ دوسری حدیث سن لیجئے، جھوم جاؤ گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اعلان کریں گے قیامت والے دن، کب؟ قیامت والے دن میرا اللہ اعلان کرے گا،
और ऐलान क्या होगा मालिक कायनात का, अइनल मुतहब्बून बिजलाली, अल्लाह, अइनल मुतहब्बून बिजलाली, ओ इंसानियत अवलीन आखिरीन जमाए, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत में आखिरी आने वाले इंसान तक सारी इंसानियत है, सूरज सवा नेजे पर है, कोई टखने घुटने नाप सीने तक कोई पूरा पसीने में डूबा हुआ है, उस वक्त अल्लाह ऐलान करे अइनल मुतहब्बून बिजलाली, मेरी वजह से मेरी जलाल और अजमत की वजह से मोहब्बत करने वाले कहाँ है, अल्लाह आप क्या ऐलान करना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं, सुन लीजिए फरमाया अल उज़िल्लुहुम फी ज़िल्ली यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्ली, आज मैं उनको अपने अर्श का साया देना चाहता हूँ, आज मेरे अर्श के साये के अलावा कोई साया नहीं, आज मैं उनको अपने अर्श के साये में रखना चाहता हूँ, कहाँ है। फिर ऐसे भी सआदतमंद उठेंगे ना जी, जिनकी मोहब्बतें अल्लाह के लिए हों, ऐसे उठेंगे फिर। और यही हदीस बुखारी के अंदर इन अल्फाज में है कि सात आदमी अर्श के साये में होंगे, कितने किस्म के, उनमें रजुलान, वो दो आदमी तहाब्बा फिल्ला इजतमा अलैही व तफर्रका अलैह, वो दो आदमी जिनकी मोहब्बत किसके लिए है और इसी पे इकट्ठे होते हैं और इसी को लेके जुदा होते हैं, इनको अर्श का साया मिलेगा। तो अल्लाह के फजल से अगर और कमियां हैं तो इतनी बात हम कह सकते हैं कि मस्जिद नमरा में आने वालों, हम सब का प्यार और मोहब्बत किसके लिए है, अल्लाह के लिए है, इसी उम्मीद पे। कितने दूर दूर से घंटों सफर करके आने वाले ये मेरे सामने हैं, मैं जानता हूं ये मोहब्बतें अल्लाह के लिए। मस्जिद नबवी है, सही मुस्लिम की हदीस सुन लीजिए, अबू दाऊद की, नबी अलैहिस्सलाम जलवा अफरोज हैं। एक शख्स आए नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ के वापस निकले महफिल मुस्तफा में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठे एक शख्स ने कहा या रसूल अल्लाह ये फुला बंदा मुझे बड़ा पसंद है। किससे जिक्र किया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने, ये जो अभी नमाज पढ़ के गया ना, बस उहिब्बुहु मैं इसे प्यार करता हूं मुझे बड़ा पसंद है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आलमतहु, क्या आपने इसको बताया है क्या आप उससे प्यार करते हैं। फरमाया अल्लाह मैंने तो नहीं बतलाया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुम उठ जल्दी जा फआलिम हो उसे बतलाओ। अब फायदा सुनिए इसका ना, वो उठते हैं फौरन पीछा करते हैं और जाके उस बंदे को पा लेते हैं और कहते हैं ओ अल्लाह के बंदे इन्नी उहिब्बुका फिल्ला, मैं आपसे अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हूं। तो वाकई वो बंदा भी ऐसा ही था, जवाबन कहने लगा अहब्बकल्लज़ी अहबबतनी लहू, तुझसे वो अल्लाह मोहब्बत करे जिसकी खातिर तूने मुझसे मोहब्बत रखी है, जिसकी खातिर मैं तुझे पसंद हूं तुझे वो भी मोहब्बत करे। तो जिसकी मोहब्बतें इस मरकज पे हों ये ईमान का जायका चख लेता है। हमारे यहां मोहब्बतें तो कुजा, इधर तो सारी नफरतें ही पाली जा रही हैं। गोदाम खोलो दिल तो पता चले किसी को, निकालो इस गंद को, इस नुक्ते को अंदर जगह दे दो, इस नुक्ते को, इस खसलत को जगह दे दो, ईमान की लज्जत आना शुरू हो जाएगी। और अल्लाह की कसम
जिन लोगों ने ईमान की लज्जत चखी है सुन लीजिए मिसाल उनकी। मेराज की रात है, मुसनद अहमद की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम अपने रफीक सफर मेराज वाले जिब्रील के साथ जा रहे हैं। कुर्बान जाऊं मेरे पाक पैगंबर के दो सफर बड़े शान वाले नुमाया है। एक को मेराज कहते हैं जो सिदरतुल मुंतहा से ऊपर तक है, और एक को हिजरत कहते हैं जो मक्का से मदीना तक है। इन दोनों सफरों में आपके साथी गुजरे हैं, आसमानों के सफर में आपके रफीक नूरियों के सरदार जिब्रील थे, और हिजरत की सफर में आपके साथी और रफीक सारी कायनात में नबियों के बाद सबसे अफजल तरीन इंसान अबू बकर सिद्दीक थे। काश कि मुझे वक्त इजाजत देता तो मैं आपको कुछ मुमासलत तो दिखा देता उन दोनों रफीकों की, कि फर्क क्या है। जिब्रील भी रफीक हैं, सिद्दीक भी रफीक हैं। चलते हैं, फरमाया चलते हुए मैंने खुशबू महसूस की। क्या महसूस की? अल्लाह, मैंने खुशबू महसूस की। अल्लाहु अकबर। मैंने पूछा या जिब्रील, मुझे खुशबू आ रही है, महक आ रही है, ये कहां से आ रही है? जिब्रील ने कहा ये खुशबू और महक आ रही है फिरौन की बेटी की कंघी करने वाली माशता की। फिरौन की बेटी को कंघी करने वाली और उसकी औलाद की खिदमत करने वाली औरत की कब्र से आ रही है, वहां से खुशबू आ रही है। अल्लाहु अकबर। नबी अलैहिस्सलाम, क्या मामला है उनका? फरमाया या रसूल अल्लाह, फिरौन बादशाह था और ये उसकी बेटी की खादमा उसे एक दिन कंघी कर रही थी बालों में, और इसके हाथ से कंघा गिर गया। जैसे कंघा गिरा तो उठाते हुए इसने कहा बिस्मिल्लाह। तो फिरौन की बेटी ने कहा अभी, यानी आपने जो बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से, ये मेरा बाप मुराद ले रही हो? कहने लगी नहीं, रब्बी व रब्ब अबी का अल्लाह। तेरा अब्बा नहीं वो क्या है? अल्लाह वो है जो मेरा भी रब है और तेरे बाप का भी रब है। वो उठ गई गुस्से में, कहने लगी जाके अब्बा को बतला दूंगी। बताऊं, जायका ईमान का ऐसे पता चलता है, ये नहीं नौकरी चली जाएगी जी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं नहीं, इतनी बड़ी मसनद पे बादशाह की घर की खादमा है, कहती है बतलाओ जाके, बतलाओ, बता दो उसे कि मैं जिस रब को मानती हूं वो तेरे बाप का भी रब है और मेरा भी रब है, बतलाओ। जाके उसने बतलाया, फिरौन ने कहा हाजिर किया जाए उसे। आ गई ये ईमान की लज्जत चखने वाली, आ गई। जैसे आ गई कहने लगी हल्ला के रब्बन, क्या मेरे सिवा तेरे लिए कोई रब है? कहने लगी रब्बी व रब्बू का अल्लाह, मेरा रब्बी और तेरा रब्बी कौन है? अल्लाह है। कहा पता है तूने इतना बड़ा जुर्म किया है, इसकी सजा मालूम है? कहने लगी मुझे इसकी सजाओं की कोई परवाह नहीं। आसे तमगर हुनर आजमाए, आसे तमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। जो मर्जी है का न कहा, फिर ठीक है। बहुत बड़ा कड़ा लाया गया, कड़ाही में आग तेल खूब उसे दहकाया जा रहा है, ये बांधी हुई लाई जा रही है। दूध पीता बच्चा झोली में, हरिपुर वालों जरा इस दिल के लोथड़े को सामरे करो ना, इस गोशी लोथड़े को
कोई समझ में आता? देखती हुई आ गए तेल जोश मारा है। फिरौन कहता है तैयार है, वो कहती है मैं रब को छोड़ने वाली नहीं, जिसको रब मान लिया है अब उसे गद्दारी नहीं हो सकती। उसके सामने जब उसके बेटे को उठाया जाने लगा, इतना बदबخت था कि कहा इसका बेटा पहले डालो, शायद ये बेटे की वजह से तड़प उठे, मां है ना, तड़प जाए और अपनी बात से हट जाए। जब बेटे को उठाया जाने लगा, उस तेल के कड़ाही के करीब किया जाने लगा, मां आखिर मां होती है, लरज उठी। जब लरजी, रब ने ऐसी लज्जत दी कि गोद का बच्चा बोल उठा और कहने लगा या उम्मी इसबिरी इसबिरी इन्नके अलल हक, मेरी मां सबर कर तू हक पर है। अम्मा जान डट जा, तू हक पर है। बस इस बात ने उनके दिल मजबूत कर दिए। जब बच्चे को डाला, बिल्कुल गोश पिघल गया और हड्डियों का ढांचा आ गया, सफेद हड्डियां। तो पता है जब उसको डालने लगे, कहा तेरा कोई अरमान है? जज पूछता है, कहने लगी हां मेरी एक आरजू है। तेरा कोई अरमान है? कहने लगी हां, वो ये है कि जब तू मुझे जला दे तो मेरी हड्डियां मेरे बेटे की हड्डियों के साथ दफन कर दे। मुझे अपने बेटे से दूर ना कर। उठाया, कहने लगे ठीक है आपको ऐसे ही दफन करते, आपकी ये बात मानी जाएगी। उसे डाल दिया गया, जल गई वो हड्डियों का ढांचा उठा के जहां दफन किया गया, बेटे के साथ। सदियां गुजरने के बाद भी मेरे मुस्तफा को अल्लाह ने वहां की महक सुंघवा दी है। क्या महक है तेरी ईमान के ऊपर डटने की कि तेरी महक मेरे मुस्तफा के नाक तक पहुंच गई। दोस्तों, जिस शख्स ने इस जायके को चखा है उसे कोई हटा नहीं सका अपनी बात से। मैं अपने उन सुनने वालों से कहता हूं जिन्होंने ईमान कबूल किया है, बहुत सारे लोग बेफजल्ला इन दो सालों में कई लोगों ने अल्लाह के फजल से कलमा पढ़ा है, तो मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि अल्लाह हमें और आपको लज्जत ईमान नसीब कर दे और अल्लाह हमें इस्तेकामत अता फरमाए। अगर वक्त होता मैं तफसील से बात करता, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।